जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान राजस्थान के कोटा जिले के इटावा में शाम 4 बजे एक कार बेकाबू होकर पेड़ में जा घुसी। इस घटना के दौरान पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया है जबकि 3 का इलाज चल रहा है। दरअसल यह घटना कोटा सुपर स्टेट हाईवे नंबर 70 पर खातोली थाना इलाके के भवानीपुरा गाँव के पास हुई है। इस घटना के दौरान खातोली थाने के एएसआई कमल मीणा ने बताया कि श्योपुर निवासी शिवचरण मीणा, उनकी पत्नी रामसिया रविवार सुबह रिश्तेदारों के साथ इटावा में बम्बुलिया गांव में एक देव स्थान पर दर्शन करने आए थे। कार में शिवचरण के साथ उनका साडू की पत्नी और एक पड़ोसन थे। ये लोग दर्शन कर श्योपुर लौट रहे थे। भवानीपुरा गाँव के पास कार के सामने एक मवेशी को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ में जा घुसी। यह घटना इतनी ज्यादा थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण की मदद से सभी को बाहर निकलवाया और इटावा के अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर शिवचरण और उसकी पत्नी रामसिया को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया है जबकि अन्य 3 को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया। तो दोस्तों बेहद ही बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।